हेलो फ्रेंड्स, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। टॉपिक है सर्वे। सर्वे इंजीनियरिंग का एक सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे, हाउ टू कंडक्ट अ सर्वे। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के साथ आपके सामने हूँ, ठीक है। इससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। देन माई फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम, ठीक है। अब यहां पे आता है मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। हम लोगों ने मेन प्रिंसिपल में सर्वेइंग के दो पार्ट रखे हैं। पहला क्या है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकंड वन क्या है आपका, टू लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट्स, ठीक है। ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, पहला ऑप्शन हायर लेवल टू लोअर बेड, लोअर लेवल टू हायर लेवल, पार्ट टू होल और होल टू पार्ट। जैसे आपको मैंने दोनों प्रिंसिपल के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आंसर में, ठीक है। आंसर में आपके दोनों हमने पॉइंट्स आपको क्लियर किए हैं, ठीक है। दोनों प्रिंसिपल कौन से हैं, टू मेजर प्रिंसिपल हैं। ये दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमम पेपर में किसी न किसी एग्जाम में हमारे पूछ लेते हैं, ठीक है। इसलिए आप प्रिपेयर रहिएगा कि आपको ये दोनों प्रिंसिपल याद ही रहने चाहिए, ठीक है। आपको यहां पर वर्ड लिखा टू वर्क फ्रॉम, कौन सा वर्ड मिस हमारा, होल टू पार्ट, बट दैट मीन फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, द एरर्स विच अकर्स व्हाइल कंडक्टिंग द सर्वे फ्रॉम होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल इज सेम। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन सेम, दूसरा ऑप्शन है इन होल टू पार्ट इज लोकलाइज्ड एंड इन पार्ट टू होल इज एक्सपेंडेड। सेकेंड थर्ड ऑप्शन है आपका, इन होल टू पार्ट इज एक्सपेंडेड एंड इन पार्ट टू होल इज लोकलाइज्ड। फोर्थ ऑप्शन है इन बोथ द मेथड एरर इज लोकलाइज्ड, ठीक है। यहां पर पहले तो वर्ड समझ ली, पार्ट टू पार्ट क्या है और होल टू पार्ट क्या है, ठीक है। यहां दो वर्ड के बारे में बात किया गया, होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल। होल टू पार्ट क्या है आपका और पार्ट टू होल क्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन आपका सेकंड इज करेक्ट है, इन होल टू पार्ट इज इट इज लोकलाइज्ड एंड इन पार्ट टू होल इज एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड क्यों होगा, पार्ट टू होल मतलब टोटल के बारे में पहले पता होना चाहिए तब आप फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। पार्ट टू होल इज एक्सपेंडेड, ये बढ़ता रहता है। और लोकलाइज्ड क्यों है होल टू पार्ट, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही आपका छोटे छोटे ट्रायंगल फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वे विच आर कैरीड आउट टू प्रोवाइड ए नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप्स ऑफ लार्ज एरिया आर नोन एज। ऑप्शन है आपका प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जियोडेटिक सर्वे। यहां आप देख रहे हैं, आप क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, प्रोवाइड नेशनल ग्रिड ऑफ कंट्रोल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्यूरेट मैप ऑफ लार्ज एरिया एज नोन एज, ठीक। जियोडेटिक क्या, इसमें कर्व को हम लोग मेंशन करते हैं। और प्लेन सर्वे में क्या होता है, कर्व को हम लोग नहीं लेते हैं और निगलिजिबल मान के चलते हैं, क्योंकि 12 किलोमीटर पे 1 सेंटीमीटर का राइज होता है, ठीक। इसलिए इसको हम लोग निगलिजिबल लेते हैं प्लेन सर्वे में। और जियोडेटिक क्या होता है, हम लोग एक्यूरेट मैप की बात करेंगे तो हमको अर्थ का कर्वेचर भी उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वे विच आर कैरीड आउट टू डिपिक्ट माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, वुड्स एंड अदर डिटेल्स आर नोन एज, ठीक। आप कौन से सर्वे में माउंटेन्स को भी रीड करते हैं, वाटर बॉडीज को भी और वुड्स को भी, ठीक। तो ऑप्शन है आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे, सिटी सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। सिटी सर्वे आप कहोगे नहीं क्योंकि सिटी के बारे में, हाइड्रोग्राफिक वाटर से है, कैडेस्ट्रियल वो भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन आपका बचता है टोपोग्राफिकल सर्वे, जिसमें हम लोग माउंटेन्स
आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा गूगल मैप पे टोपोग्राफी मैप सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के मैप्स, प्लांट्स, ठीक है, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, हर चीज का मेंशन रहता है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टोपोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। प्लान इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑन लार्ज स्केल एस प्रोजेक्टेड ऑन ए, ऑप्शन ए हॉरिजेंटल प्लेन, ऑप्शन बी वर्टिकल प्लेन, ऑप्शन सी इन एनी प्लेन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर ऑफ लार्ज स्केल, ग्राफिकल जो आपका है तो इसमें प्रोजेक्टेड ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि प्लान की बात कर रहा है, हम हॉरिजेंटल प्लेन में ही करते हैं, वर्टिकल प्लेन में नहीं होता है ना, इन एनी प्लेन में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हॉरिजेंटल प्लेन। इसी से सिमिलर कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, मैप इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑन स्मॉल स्केल एज प्रोजेक्टेड ऑन अ। यहां पे प्लान और मैप के बारे में भी जानना जरूरी है। प्लान में क्या होता है, हमारा जो स्केल होता है बड़ा होता है, और जो मैप होता है उसमें स्केल जो होता है वो आपका छोटा होता है, मगर हम लोग उसमें रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, केवल हॉरिजेंटल सरफेस के बारे में ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें वर्टिकल प्लेन के बारे में कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो यहां आपको मैंने दो चीज क्लियर की, पहला कि प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है। प्लान में क्या होता है, आपका स्केल बड़ा होता है और मैप में स्केल छोटा होता है। दूसरी चीज, प्लान और मैप में केवल हॉरिजेंटल सरफेस ही मेंशन की जाती हैं, वर्टिकल प्लेन नहीं होता है, ये बहुत माइंड में सेट कर लीजिएगा, और डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। जब प्लेन सर्वे में क्या था, हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को निग्लेजिबल ले रहे थे, अब हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को टेकन ले रहे, मतलब अकाउंट कर रहे हैं, तो क्या होगा ऑप्शन, जियोडेटिक सर्वे, ठीक है, प्लेन सर्वे, प्रिलिमरी सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, प्लेन होगा नहीं, हाइड्रोग्राफिक होगा नहीं, प्रिलिमरी होगा नहीं, ऑप्शन जियोडेटिक सर्वे। प्लेन और जियोडेटिक सर्वे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है, ठीक है, सर्वेइंग के आप थ्योरी टॉपिक में जाते हैं तो आपने प्लेन और जियोडेटिक दोनों ही पहले स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं। प्लेन क्या होता है, जहां पे आप अर्थ का कर्वेचर को मेंशन नहीं करते हैं, और जहां मेंशन करते हैं वहां जियोडेटिक सर्वे हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ सर्फेस इज टेकन इन इंटू अकाउंट ओनली इफ द एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन, ऑप्शन ए 100 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 260 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 300 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए अर्थ का कर्वेचर हमको किसके बाद हमें लेने लेना चाहिए, ठीक है, 195.5 किलोमीटर के बाद हमें कर्वेचर को मेंशन करना चाहिए। यदि इससे कम का एरिया है तो हम उसको प्लेन सर्वे की तरह डील करते हैं, और इससे बड़ा का एरिया है तो उसमें हम लोग कर्वेचर को मेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू, ठीक है, थ्योरी ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आध एग्जाम में पूछा गया है, आपको गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में भी ये क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू, पहला है एक्सीडेंटल एरर ओनली, क्यूमुलेटिव एरर ओनली, बोथ एक्सीडेंटल क्यूमुलेटिव, या नन ऑफ दिस। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये एक्सीडेंटल एरर के लिए ही केवल होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज, ठीक है, ऑप्शन क्या है, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, क्यूमुलेटिव नेगेटिव, कंपनसेटिव, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बैड रेंजिंग से क्या होगा, आपका क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और हम लोग मेजर कितना करते हैं, ज्यादा करते जाएंगे। ठीक है, क्यूमुलेटिव होगा, ठीक है, क्यूमुलेटिव क्या होगा, जैसे जैसे मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे, मान लो आपने बैड रेंजिंग हुई
मान लो ये डायग्राम था, हमको ऐसे मेजर करना था, रेंजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आता चला गया, ठीक है ये होता चला गया, हमको मेजर ये करना था और बैड रेंजिंग की वजह से हम मेजर ये करते चले आए, तो क्या होगा, ये लेंथ हमेशा क्या हो गई, क्यूमुलेटिव होगी। इस पॉइंट पे आप जाएंगे, ये नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, तो ये क्या होती है, ऐड होती चली जाएगी, तो आपकी क्या होगी, ये बैड रेंजिंग की वजह से क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होगी। कौन कौन सी एरर हमारी पॉजिटिव निगेटिव होती है ये देख लीजिए आप। पहला लेंथ ऑफ चैन और टैप, क्यूमुलेटिव पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, लेंथ ऑफ चैन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो, बैड रेंजिंग की वजह से क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होगी, केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग की वजह से कंपनसेटिंग होगी, है प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है, केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग, बैड स्ट्रेंथनिंग ये भी आपकी क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होगी, नॉन हॉरिजॉन्टली क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होगी, सैगिंग चेन क्यूमुलेटिव पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पेपर में एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है। एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज द लार्जेस्ट वन, ठीक है, ऑप्शन वन है आपका 1 सेंटीमीटर इज द 50 मीटर, ऑप्शन बी है 1:42,000, आर एफ दिया 1/3 लाख, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। आर एफ सबसे पहले हम स्केल में करते क्या है, सभी को सेम पैरामीटर्स में लाते हैं, सपोज करो 1 सेंटीमीटर 50 मीटर है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में ही दोनों तरफ रखेंगे, इसको भी ये आपका सेम में ही है, ये भी सेम में, ये आपका केवल डिफरेंस में है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने चेंज किया, 1 सेंटीमीटर और 50 मीटर था तो इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, 00 इंक्लूड किया। दूसरा बी आपका दिया हुआ था, इसमें कोई चेंज नहीं करना था, आर एफ इसमें आपने ये भी दिया हुआ गिवन है आपको, ये 50 किलोमीटर है, इसको आपने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो आपको सबसे लार्जेस्ट स्केल कौन सा दिख रहा है, ये यदि इसमें अपना प्लान ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, इस डायग्राम बड़ा बनेगा, और इसमें ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, आपका डायग्राम छोटा बनेगा। तो यहां आपको बेस्ट एग्जाम्पल भी है प्लान और मैप समझने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट होगा, ए, ठीक है, ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया, मगर इसके अलावा आपको ये भी समझ में आएगा प्लान और मैप में डिफरेंस क्या है, कैसे स्केल यहां पे बड़ा है, स्केल यहां पे छोटा है, ठीक है, प्लान में मैप बड़ा बनता चलता है और मैप में स्केल छोटा होने की वजह से हमारा जो ड्रॉ होगा वो छोटा होगा, ठीक है। मैं आज इतने ही क्वेश्चन के साथ आपके सामने था, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, ओके थैंक यू।